आप इस टाइप का एक इमेज इफेक्ट देना चाहता हो, इस 3D इफेक्ट आपका इमेज के ऊपर डालना चाहता हो। इस टाइप का 3D इफेक्ट जो होता है ये क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए इस इफेक्ट जस्ट वन क्लिक में आप क्रिएट करना चाहता है तो इस वीडियो आपको पूरा ही देखना होगा। मैं हूँ आपका दोस्त बेलाल, आप देख रहे हैं एडिटर बेलाल यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल के ऊपर नया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्वालिटी वीडियो के साथ विश्वास भी मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्शन की काम क्या है। इस एक्शन जस्ट वन क्लिक में आपको इस टाइप का एक इमेज क्रिएट कर देगा। यहाँ पर 3 टाइप का 3D इफेक्ट है, 3D एक्शन। ये एक्शन आपको 3Action1 फाइल के अंदर मिलेगा। इस एक्शन आपको जस्ट क्लिक करना और आपका इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस एक्शन का किस तरीके से आपको यूज करना है। इस एक्शन आपको एक वेबसाइट ने क्रिएट करा, डाउनलोड करने के बाद आपको ये फुफर तरीके से यूज नहीं जानता है तो इस टाइप का एक आप इमेज क्रिएट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये यूज देखने के लिए आपको इस वीडियो पूरा ही देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वेबसाइट के लिंक, इस लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट पे आपको आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएगा, ये विंडोज और मैक दोनों के लिए ही काम करेगा और फोटोशॉप CC एंड CS6 दोनों के लिए ही ये काम करेगा और फोटोशॉप एलिमेंटर के ऊपर ये प्रॉपर वर्क करेगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कंपेटिबिलिटी और ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज मैक OS फोटोशॉप CC एंड CS4 फोटोशॉप एलिमेंटर 2020 और 11 3D एक्शन फोटोशॉप CC CS6 एक्सटेंडेड। इसके बाद यहाँ पर लेटेस्ट रिलीज फोटोशॉप और फोटोशॉप वर्जन 2020, यहाँ पर सारी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर ये फ्री व्यू भी यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है। ये है फ्री व्यू। आप इस 3 टाइप का इमेज आप क्रिएट करना चाहता हो तो जस्ट वन क्लिक में ये इफेक्ट आपका इमेज के ऊपर डाल सकते हैं। यहाँ पर फोटोशॉप वर्जन के लिए डाउनलोड बटन अवेलेबल है और फोटोशॉप एलिमेंटर वर्जन के लिए यहाँ पर डाउनलोड बटन अवेलेबल है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये यूज करना ही को जानना होगा। ये आप प्रॉपर तरीके से यूज नहीं जानते हैं तो ये आपको फायदा नहीं लौट पाएगी। तो चलिए देखते हैं ये किस टाइप का यूज करता है। जस्ट आपको इस फोटोशॉप वर्जन के ऊपर डाउनलोड, नीचे डाउनलोड बटन है यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बोला जाएगा। ये 2267 MKB का है, जस्ट छोटा सा एक फाइल है, जस्ट ओपन फाइल कर लेना। ओपन फाइल करने के बाद आपको इमेज डाउनलोड यहाँ पर हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद राइट क्लिक करने से आपको एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक कर देना। एक्सट्रैक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओके बटन के ऊपर क्लिक कर देना। इसके बाद ये बटन आपको, ये फोल्डर आपको यहाँ पर खुल जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सारे एक्शन यहाँ पर मिल जाएगा। ये है 2D एक्शन, ये है 3D एक्शन फोटोशॉप CC के लिए और ये 3D एक्शन आपको फोटोशॉप CS6 के लिए। यहाँ पर यूजर टेम्परली द इंग्लिश गाइडलाइन है, इसके बाद यहाँ पर यूजर गाइडलाइन है। तो मैं यूज करता हूँ फोटोशॉप CC, तो मेरे फोटोशॉप CC के लिए जस्ट मैं इंस्टॉल करूंगा ये फोटोशॉप CC एक्शन, ठीक है। ये 3D एक्शन है, जस्ट आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना। ओपन कर लेने के बाद आपको एक इमेज ले आना, जो इमेज आपको क्रिएट करना है, 3D इफेक्ट डालना है। इस इमेज आपको फोटोशॉप के अंदर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये फोटोशॉप एक्शन की यहाँ पर पैनल है, इस पैनल आपको नहीं मिलता है तो जस्ट यहाँ पर विंडो है, विंडो के बाद आपको यहाँ पर एक्शन पैनल यहाँ पर है, आप जस्ट इस एक्शन के ऊपर क्लिक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपको 4 डॉट आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पर लोड एक्शन बटन है, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपका एक्शन जहाँ पर है वहाँ पर जाओ और एक्शन के ऊपर क्लिक कर दो और यहाँ पर लोड है यहाँ पर क्लिक कर दो। इसके बाद आपका एक्शन यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इफेक्ट मौजूद है, जहाँ आप किसी भी यूज करना चाहता है तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस इमेज के ऊपर, ये एक हाई क्वालिटी इमेज है, इस इमेज के ऊपर 8 बार 3D इफेक्ट डालूंगा, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करा। इसके बाद ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देना,
क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मेक श्योर यू ऑलरेडी ओपन वन इमेज। आपको पूछा जाएगा ये आप वन इमेज ओपन करके रखा। जी हाँ, मैं ही ओपन करके रखा, इसलिए मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको बोलेगा आप रोटेट करना चाहता हो, रिसाइज करना चाहता हो, ये कर लो। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। इसके बाद यहाँ पर ये इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, जस्ट ये ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आपको जो इमेज है ये इमेज के ऊपर फुल साइज कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर ये 8 बार यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये 3D इफेक्ट आपको जस्ट डालना शुरू कर देगा। ठीक है, तो ये आपको रिसाइज करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक कर देना। कर देने के बाद आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट आपको वेट करना, ये आपको 3D इफेक्ट में ले आ जाएगा। ओके, ये आपको ये मैसेज देगा ऑलमोस्ट दे आर चूज योर ह्यू एंड बैकग्राउंड कलर। ह्यू सैचुरेशन का ये बैकग्राउंड जो कलर होता है ये आप चेंज करना चाहता है तो ये चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना और आपको बैकग्राउंड कलर चूज करना। बैकग्राउंड कलर चूज करने के लिए यहाँ पर ह्यू एंड सैचुरेशन है, आप चाहे तो यहाँ पर किसी भी कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैं ये ग्रीन कलर चूज करता हूँ। यहाँ पर आपको सारी ऑप्शन मिल जाएगा कलर करेक्शन करने के लिए। यहाँ पर कलर करेक्शन करने के बाद फुल एडिटिंग होने के बाद आप फिर से ये कलर चेंज कर पाओगे। तो जस्ट मैं यहाँ पर ओके कर दिया। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आपको ये इफेक्ट फुल्ली रेडी हो जाएगा। रेडी होने के बाद आपको ये ऑलरेडी मैसेज आ जाएगा, जस्ट आप यहाँ पर स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक कर देना। स्टॉप बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये इफेक्ट यहाँ पर रेडी हो गया। ठीक है, तो आप चाहे तो किसी भी एंगल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, या आप जिसे जहाँ पर चाहिए वहाँ पर ये ले जा सकते हैं। ठीक है, ये इफेक्ट आप जहाँ पर डालना चाहता है 3D इफेक्ट, जिस टाइप का डालना चाहता है, एंगल चेंज करना चाहता है, तो किसी भी एंगल आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइक दिस यहाँ पर इस इफेक्ट मेरे को शूट करता है, तो ये इफेक्ट हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर किसी भी टाइप को चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ किसी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से यहाँ पर कलर चेंज करना चाहता है तो बैकग्राउंड का यहाँ पर डबल क्लिक करने से आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड के कलर चेंज करने के बाद आपको यहाँ पर और एक ऑप्शन मिलेगा, ये इफेक्ट यहाँ पर ग्रेडियंट ऑप्शन है। आप चाहे तो किसी भी ग्रेडियंट यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी ग्रेडियंट को आप यहाँ पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चाहे तो ये ग्रेडियंट इफेक्ट भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपको चाहे तो किसी भी ये एडिटिंग करना चाहता है तो एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे बैकग्राउंड के ऊपर ये इमेज की टाइप देखा जाएगा और जस्ट यह इस 3D लेयर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे ये 3D ओपन 3D रेंडर ओपन हो जाएगा। आप किसी भी टाइप का चेंज करना चाहता है तो एंगल चेंज करना चाहता है तो चेंज कर सकते हैं इजीली। ये स्मूथली चेंज होगा, ये हार्डली नहीं होगा, स्लो नहीं होगा, ये स्मूथली आपको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये इमेज की टाइप आपको देखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये इमेज आपका सेव JPEG मोड में सेव होता है और नहीं होता है। जस्ट आपको कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करना, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करने से आपको ये सेव करने की ऑप्शन आ जाएगा। जस्ट यहाँ पर JPEG को ऊपर सिलेक्ट कर देना और आपको जहाँ पर ये इमेज रखना चाहता है यहाँ पर सेव कर देना। ठीक है, ये सेव JPEG ऊपर JPEG मोड के ऊपर सेव हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ये JPEG मोड में सेव हो गया। तो देखते हैं फिर से और एक इमेज देखते हैं। तो मैं इस इमेज को देखता हूँ, ये और एक टाइप का, ये मैं इस टाइप का करता हूँ। जस्ट प्ले बटन के ऊपर क्लिक कर देना और रिसाइज कर लेना। आपको इस टाइप का एक इमेज क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है, इसलिए इस एक्शन के ऊपर आप इजीली वर्क कर सकते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है। आज का वीडियो आपको पसंद आया था जरूर लाइक कर देना और इस चैनल के ऊपर आप नए आए तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।